सभी दर्शकों को अंकित सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और उसका आज लास्ट पार्ट का वीडियो आपके सामने आने वाला है। उसमें हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के हमने दो पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में हमने पूरा सीपीयू का यूटिलाइजेशन पढ़ा और सीपीयू के कंपोनेंट्स पढ़े और मेमोरी के बारे में पढ़ा कि मेमोरी कितने टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम लोगों ने रैम और रोम पढ़े, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हम लोगों ने हार्ड डिस्क और यूएसबी ड्राइव वगैरह ये सारी चीज़ पढ़ी। तो आज जो टाइम है पढ़ने का, वो पढ़ने का टाइम है आउटपुट डिवाइस का। आज की इस वीडियो में हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में मैं आपको बता दूं कि आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है या ऐसी यूनिट्स हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर का प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट हमें शो होता है। हम सबसे पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन देते हैं, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद वो डिज़ायरेबल यानी मीनिंगफुल आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। तो वो जिस भी डिवाइस के द्वारा हमें आउटपुट शो करता है वो हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। आउटपुट डिवाइस एज यू नो कन्वर्ट द बाइनरी आउटपुट डिलीवर्ड बाई द CPU इनटू द फॉर्म दैट यूजर अंडरस्टैंड। Some of the most common output devices used with a computer are monitor, printer, speaker, plotters, headphone, etc. कहने का मतलब दोस्तों ये है कि CPU के पास जब प्रोसेसिंग हो जाती है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट होता है उसको हम ये जो कंट्रोलिंग वाला जो सिस्टम है वो एक ऐसा आउटपुट प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें, जिसको यूज़र अंडरस्टैंड कर सके। और जिस भी डिवाइस के थ्रू हमको आउटपुट शो होता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, हेडफोन हो गए, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही प्रिंटर का नाम आपके दिमाग में आया आप समझ गए कि प्रिंटर से हम क्या काम करते हैं। प्रिंटर से हम प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंट आउट निकलेगा प्रिंटर से। तो द जॉब ऑफ अ प्रिंटर इज टू पुट ऑन पेपर व्हाट यू सी ऑन योर मॉनिटर। जो आप कंप्यूटर की स्क्रीन यानी मॉनिटर पर देख रहे हैं, अगर आपको सेम वही चीज पेपर पर चाहिए तो आपको प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिंटर गिव्स अ हार्ड कॉपी और द प्रिंटेड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों दो तरह की कॉपी होती हैं, एक होती है हार्ड कॉपी और एक होती है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो हम सिस्टम पर देख रहे हैं। जैसे इस समय आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये PDF देख रहे हैं तो ये हो गई सॉफ्ट कॉपी। अगर मैं इसी का प्रिंट आउट निकालने के बाद पेपर से मैं आपको पढ़ाऊं तो वो हो गई हार्ड कॉपी। तो ये दो तरह की कॉपी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और हार्ड कॉपी क्या होती है। तो प्रिंटर का काम क्या है, प्रिंटर का काम आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट आउट करके पेपर के रूप में हार्ड कॉपी निकाल कर दे देना। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर अवेलेबल इन द मार्केट। आजकल हमारे मार्केट में एक से ज़्यादा टाइप के प्रिंटर्स अवेलेबल हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ प्रिंटिंग, इन द टर्म ऑफ प्रिंटिंग क्वालिटी, इन द टर्म ऑफ कॉस्ट एक्सेट्रा। ये अपने कॉस्ट के हिसाब से, प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी के हिसाब से और प्रिंटर की स्पीड के हिसाब से हम इनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कौन कौन से प्रिंटर हैं ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बात करेंगे कि प्रिंटर की स्पीड को हम किस में मीजर करते हैं। CPS यानी करेक्टर पर सेकंड, जैसे कहते हैं ना इसकी भाई स्पीड कैसी है। अगर वो 20 करेक्टर या 100 करेक्टर एक सेकंड में प्रिंट कर रहा है तो उसकी होगी 100 CPS।
स्पीड होगी उसकी। तो सीपीएस की फुल फॉर्म होगी करेक्टर पर सेकेंड, एलपीएम यानी लाइन पर मिनट, और पीपीएम पेजेस पर मिनट, यानी कितने पेजेस वो एक मिनट में निकाल रहा है। तो ये प्रिंटर की क्या हो गई, प्रिंटर की स्पीड हो गई। तो इसको इसको तीन यूनिट यानी तीन कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर लिया, सीपीएस यानी करेक्टर पर सेकंड, एलपीएम लाइंस पर मिनट, और पीपीएम यानी पेजेस पर मिनट। तो चलिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे प्रिंटर के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि प्रिंटर का काम क्या है, प्रिंटर का काम यह है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देना। जो आप मॉनिटर की स्क्रीन पर देख रहे हो उसको अगर आपको पेपर पर चाहिए प्रिंट आउट, तो वो आपका प्रिंटर का काम है। तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर है आउटपुट डिवाइस में तो वो यही है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा प्रिंटर कौन से प्रिंटर के टाइप के अंडर में डिजर्व करता है। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं कि प्रिंटर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो चलिए हम इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। प्रिंटर इज क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरी, फर्स्ट इज इंपैक्ट प्रिंटर एंड अनदर इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर इज ऑल्सो इज डिवाइडेड इंटू द टू कैटेगरी, करेक्टर प्रिंटर्स एंड लीन प्रिंटर। सेकेंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो इन सब के बारे में अभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं, ऐसे प्रिंटर जिसमें प्रिंटिंग कब होती है, जब स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक का मतलब जैसे आप वो देखते हैं टाइपराइटर, आप लोगों ने देखा होगा। तो टाइपराइटर में जैसे सपोज हमको लिखना है अनवर, तो आप आ दबाते हैं, जैसे ही आपने आ का की जो बटन है उसको प्रेस करा तो जो पेपर पर एक एक चीज स्ट्राइक होती है, कट की आवाज होती है, कट कट की जैसी आवाज हुई तो पेपर पर आ प्रिंट हुआ। आपने ना दबाया, जैसे ही ना आपने दबाया तो पेपर पर कट की आवाज हुई तो वो ना प्रिंट हुआ। सेम इसी तरीके से ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग के दौरान पे स्ट्राइक वाला काम करते हैं वो आपके वो इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे कि इंपैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। विद दिस टाइप ऑफ प्रिंटर समटाइम्स स्ट्राइक पेपर एंड रिवन टुगेदर टू फॉर्म अ करेक्टर लाइक अ टाइपराइटर। जिस तरीके से टाइपराइटर वाला मैंने एग्जांपल दिया वो सारे के सारे इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आ गए। तो इंपैक्ट प्रिंटर या फिर दूसरे शब्दों में ये कहूं कि जो शोर ज्यादा मचाते हैं, प्रिंटिंग तो करते हैं लेकिन शोर ज्यादा मचाते हैं, कटर 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 या फिर कट 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 इस टाइप की जो आवाज निकालते हैं वो हमारे कौन से प्रिंटर आ गए, वो हमारे इंपैक्ट प्रिंटर हो गए। ऐसा इसीलिए क्यों, क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग का कार्य कब होता है, इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग का कार्य जब आपका स्ट्राइक होती है पेपर पर और रिबन के साथ। तो एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं इसकी, एक तो ये सस्ते मिल जाते हैं, थोड़े से तेज होते हैं और ये मल्टीपल कॉपीज भी निकाल सकते हैं। डिसएडवांटेज मैंने आपको बता ही दिया, जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करें यानी नॉइजी, और इनकी प्रिंटिंग की जो प्रिंटर क्वालिटी होती है ना वो भी अच्छी नहीं होती। क्योंकि आप देखते होंगे जैसे आप लोग लाइन में लगे हो रेलवे प्लेटफॉर्म पर और वहाँ पर सॉरी रेलवे लाइन पे आप टिकट लिया रेलवे का, तो आप देखते हो ना उस पर जो क्वालिटी होती है वो पढ़ने में ठीक से नहीं आती। तो वो कौन सा प्रिंटर होता है, वो डॉट मैट्रिक्स ही प्रिंटर होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको इंपैक्ट प्रिंटर समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रिंटर जिस पर जो प्रिंट होता है वो स्ट्राइक के द्वारा होता है यानी प्रहार होता है, रिवन पर की का प्रहार होता है। तो इस टाइप के प्रिंटर आपके इंपैक्ट प्रिंटर के आ गए। तो इसमें सबसे पहला प्रिंटर है आपका डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, फॉर्म्स करेक्टर यूजिंग रोज ऑफ पिंस 9, 18 और 24 विच इंपैक्ट द रिबन ऑन द टॉप ऑफ द पेपर। सेम वही चीज है, इसमें भी
क्या होता है, इसमें रिबन टाइप के होते हैं और पिंस होती हैं, वो पिंस उस पर हिट करती हैं और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके ये प्रिंट होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इस वाले चीज़ में इतना डीपली नहीं पढ़ना, हमको बस जस्ट ये याद रखना है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा हो गया आपका चैन एंड बैंड प्रिंटर, चैन एंड बैंड प्रिंटर, तीसरा हो गया आपका, अब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बच्चों क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई हिट नहीं होता, इसमें स्प्रे होता है, इसमें इंक का स्प्रे हो या टोनर पाउडर का स्प्रे हो, वो चीज स्प्रे होती है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ प्रिंटर डज नॉट इन्वॉल्व एक्चुअली स्ट्राइकिंग द पेपर, यहां पर पेपर पर हिटिंग नहीं होती, इस टाइप के प्रिंटर में पेपर पर हिटिंग नहीं होती, स्ट्राइकिंग नहीं होती, यहां पर स्प्रे का काम होता है, यहां पर इंक की स्प्रे होती है या फिर टोनर पाउडर जो काला काला होता है ना, टोनर वाला पाउडर, उसका स्प्रे होता है। तो एडवांटेजेस हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस, क्वाइट शांत प्रिंट हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और अगर इम्पैक्ट प्रिंटर होते तो वो तो आपके कटर 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 पैं 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 इस टाइप की आवाज निकालते हैं। आई थिंक मेरी आवाज भी प्रिंटर से कहीं ना कहीं मैच खा रही है, तो आप समझ रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये खर्चीले ज़्यादा होते हैं, महंगे आते हैं और थोड़े से स्लो होते हैं। कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आ गए, आपका इंकजेड प्रिंटर आ गया और आपका थर्मल प्रिंटर आ गया और आपका पेज प्रिंटर आ गया। तो ये तीन टाइप के प्रिंटर यहाँ पर उसने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर दिए। कौन कौन से, इंकजेड प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और पेज प्रिंटर। आगे बात करते हैं प्लॉटर की। तो दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल ये आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंटर एंड प्लॉटर। तो प्रिंटर और प्लॉटर में मेन डिफरेंस क्या है, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। प्रिंटर का काम है छोटे पेजों को प्रिंट करना, और जबकि प्लॉटर का काम ये है बड़े बड़े होल्डिंग्स को, जो चौराहे पर जो बड़े बड़े से बोर्ड लगे होते हैं ना, कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, कि ये वाले नेताजी, कि वो वाले नेताजी, कि ऐसे नेताजी वैसे नेताजी, इन जो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, तो वो बोर्ड जो होते हैं, जो होल्डिंग्स होते हैं, वो जो फ्लेक्सीज होती हैं, वो प्लॉटर के ही द्वारा ही प्रिंट होती हैं। अब प्लॉटर इज अ स्पेशल पर्पज आउटपुट डिवाइस दैट ड्रॉ इमेज विद इंक पेन, दैट इज अ प्लॉटर इज अ ग्राफिक प्रिंटर फॉर मेकिंग सोफिस्टिकेटेड ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स एंड थ्री डायमेंशनल ग्राफिक्स एज वेल एज हाई क्वालिटी कलर्ड डॉक्यूमेंट। इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस लार्जर साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सारी चीज हो गई आपके प्लॉटर में आ गया। तो प्लॉटर भी कई प्रकार के होते हैं, ड्रम प्लॉटर हो गया, फ्लैट वेड प्लॉटर हो गया, ये सारे प्लॉटर हो गए। अगला आपका आउटपुट डिवाइस। अच्छा दोस्तों, एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, अभी आपने प्रिंटर पढ़ा, अभी आपने प्लॉटर पढ़ा, तो प्रिंटर और प्लॉटर क्या कर रहे हैं, ये एक एक तरीके से हमें आउटपुट ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे प्रिंटर हुआ चाहे प्लॉटर हुआ, ये आउटपुट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, और आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगला है मॉनिटर। मॉनिटर यानी टीवी की तरह जो हमारे कंप्यूटर में होता है उसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं। वो भी हमें क्या शो करता है, वो हमें रिजल्ट, जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसको शो करता है। तो मॉनिटर में लिखा हुआ है, मॉनिटर इज द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेन आउटपुट डिवाइस है वो हमारी क्या होती है, मॉनिटर होती है। इट इज ऑल्सो नन बाई वेरियस नेम्स, लाइक इसके कई एक नाम हैं, स्क्रीन भी बोलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन या डिस्प्ले स्क्रीन, मॉनिटर तो हम लोग कहते ही कहते हैं, VDT यानी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, CRT कैथोड रे ट्यूब। CRT कौन से वाले होते थे, वो जिनकी कमर निकली हुई होती थी, ऐसे मॉनिटर जिनकी कमर निकली हुई होती थी उनको CRT कैथोड रे ट्यूब वाले कहते थे। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये सारे के सारे देखो ये आ गए, ये CRT मॉनिटर है,
जिसकी पीछे कमर निकली होती थी, जैसे पहले पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे ना, उसी की तरह हमारा सीआरटी मॉनिटर होता था। सीआरटी मॉनिटर में क्या होता था, कैथोड रे ट्यूब, यानी कैथोड रे वो इलेक्ट्रॉन गन, ये सब इस तरीके से स्क्रीन हमारी शो होती थी। एलसीडी मॉनिटर, आप लोग समझ ही रहे होंगे इसके बारे में, तो एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन होती थी। अगली आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगली आउटपुट डिवाइस है आपका स्पीकर। स्पीकर, स्पीकर पे कौन सा सबसे बढ़िया बढ़िया गाने चलते हैं, है ना, तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस ही तो है, वो हमारे क्या वो प्रोड्यूस कर रही है, वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, तो ये आउटपुट डिवाइस के अंदर आ गया। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, कंप्यूटर कैन आउटपुट वॉइस मैसेज एंड म्यूजिक डाटा एज साउंड। ऑफकोर्स यू हैव टू हैव स्पीकर्स एंड अ साउंड कार्ड। स्पीकर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपका क्या प्रोवाइड कर रही है, ये आपकी साउंड को प्रोवाइड कर रही है, यानी साउंड को बाहर फेंक रही है। अ कंप्यूटर स्पीकर इज अ कंपोनेंट दैट टेक्स अ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल स्टोर्ड ऑन थिंग्स लाइक सीडीज, टेप्स एंड डीवीडीज एंड टर्न इट बैक इनटू अ एक्चुअल साउंड दैट वी कैन हियर। आउटपुट डिवाइस में जो स्पीकर है वो क्या काम करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होते हैं जो स्टोर्ड होते हैं, चाहे सीडी में हो, चाहे डीवीडी में हो, चाहे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हो, वहां से उन सिग्नल्स को लेकर के इसको एक्चुअल साउंड में कन्वर्ट करके हम तक पहुंचाता है। तो स्पीकर भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गई। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको कुछ चीज और बता देता हूं। जो आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं, प्रिंटर हमने पढ़ाया, प्लॉटर हमने पढ़ाया, साउंड हमने पढ़ाया, मॉनिटर हमने पढ़ाया, एक प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आप समझ रहे हैं ना, अपने स्कूल में जो प्रोजेक्टर लगे हुए होते हैं, तो वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो आज हमारा ये चैप्टर्स नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हमने इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी जो पूरे कंप्यूटर बेसिक को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब इसमें कुछ चीज़ मेन है वो मैं और बता दूं, जैसे हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है, ये मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था। फिजिकल कंपोनेंट आपका हार्डवेयर हो गया और वर्चुअल कंपोनेंट आपका सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद हमने आपको सीपीयू के बारे में पढ़ाया था और इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया था, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाया था। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, वो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देख लें, उसके बाद आप पार्ट 3 की वीडियो देखें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आप तक हमारी वीडियो समय तक पहुंचती रहेंगी। तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।